जी स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर नंबर 5D 5E है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो क्या कहता है कि हैविंग एग्जामिन्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स दैट कुड ऑपरेट इन अ सिचुएशन एंड हाउ द रिलेशनशिप अमंग दीज कैन बी एस्टैब्लिश, इट इज नाउ पॉसिबल टू सी हाउ वी कैन डेवलप द कॉन्सेप्चुअल मॉडल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर आवर रिसर्च। तो हमने देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को समझ लिया, अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम किस तरह से अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो खुद यानी कि किस तरह से हम जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल को या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो अभी आज का जो लेक्चर है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखें क्या कह रहा है फिगर नंबर आगे हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या कह रहा है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, कि द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज द फाउंडेशन ऑन विच द इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट इज बेस्ड। तो हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर ही पूरा रिसर्च का प्रोजेक्ट जो है वो बेस कर रहा होता है। क्यों? कि बेसिकली ये हमें लॉजिकली डिवेलप्ड डिस्क्राइब एलेबोरेटेड नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन, किसके नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन, वेरिएबल्स के नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमें बता रहा होता है, ठीक है, टू द प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपस में वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एसोसिएशंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन एसोसिएशंस को अगर आप जो है वो एक नेटवर्क की सूरत में जो है वो कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहा जाएगा, यानी कि वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट इंटरवीनिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स में हैं उन सबको शो करना, फिर लॉजिकल जो भी इनका कनेक्शन है एसोसिएशन है उसको जो है वो आप ड्रॉ कर देते हैं, तो इससे जो है वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के? तो पहला कंपोनेंट है वेरिएबल्स, दूसरा कंपोनेंट है इसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल, तीसरा कंपोनेंट है इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन। किसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन? रिलेशनशिप्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो The variables considered relevant to the study should be clearly defined. कि जो variables उस हमारी study के अंदर मौजूद है उनको clearly हमें define करना होगा, उनके role को, कि आया ये dependent variable है, independent variable है, moderating है या mediating है। Secondly, conceptual model होगा इसके अंदर जो कि relationships को describe करेगा, relationship को show करेगा कि कौन सा variable किस variable से link कर रहा है, कौन से दो variables के दरमियान में क्या relationship है, positive है, negative है, कौन सा इसमें डिपेंडेंट है, कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट है, और किस तरह से मीडिएटिंग मीडिएशन हो रही है, किस तरह से मॉडरेशन हो रही है। तो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो रिलेशनशिप्स को शो कर रहा होता है। तीसरी चीज़ इसमें होती है कि क्यों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं आपस में, ठीक है ना। तो ये तीसरी चीज़ होती है। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के। अब क्या कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर सर्वे एंड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो लिटरेचर सर्वे क्या है? लिटरेचर सर्वे है बेसिकली लिटरेचर रिव्यू, कि आपको मुख्तलिफ रिसर्चेस को पढ़ना है अपने पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जब भी आपको पता चलेगा बेसिकली कि क्या उसका बैकग्राउंड है, रिसर्च का क्या बैकग्राउंड है, उस रिसर्च की इस वक्त करंट स्टेट उस रिसर्च का क्या है, करेंटली इस पर्टिकुलर एरिया में क्या रिसर्च हो रही है, लेटेस्ट क्या काम हो रहा है, इसको आप इससे आपको आइडिया मिलेगा लिटरेचर सर्वे से। तो क्या कहते हैं, लिटरेचर सर्वे प्रोवाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए आपको सॉलिड बैकग्राउंड देता है लिटरेचर सर्वे, सॉलिड आपको जो है वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है लिटरेचर सर्वे, जिससे आप आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप कर दो। दूसरी चीज क्या है कि लिटरेचर सर्वे आइडेंटिफाइज द वेरिएबल दैट माइट बी इंपॉर्टेंट। तो आपको वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन के भाई कौन से वेरिएबल किस पर्टिकुलर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये आपको जो है वो कोई इल्हाम नहीं हो रहा होता कि ये फलां वेरिएबल इस पे इम्पैक्ट करेगा, बल्कि ये जब आप लिटरेचर को रीड करते हैं, रिसर्चेस एग्जिस्टिंग रिसर्चेस को रीड करते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो प्रीवियस रिसर्च की फाइंडिंग से आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है ये इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो लिटरेचर सर्वे काफी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एलाबोरेट्स द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो जो भी आपका
कि वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप है इसको एलोबरेट करता है, एक्सप्लेन करता है थ्योरी कि कौन सी थ्योरी जो है वो इन रिलेशनशिप्स पे, कौन सी थ्योरी पे ये रिलेशनशिप बेस कर रहे हैं, और कि डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप्स की, नेचर क्या है रिलेशनशिप की, डायरेक्शन क्या है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये नेचर की बात हो गई। डायरेक्शन की क्या बात हो गई कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो उसको डायरेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप में ये भी आता है कि स्ट्रांग है या वीक रिलेशनशिप है। डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या अदर वर्ड्स में आप कहेंगे कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है वो रिलेशनशिप की बात हो जाती है। फिर कहता है कि द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द लॉजिकल बेस फॉर डिवेलपिंग टेस्टेबल हाइपोथेसिस। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लॉजिकल बेस भी बताता है कि टेस्टेबल आपको हाइपोथेसिस बनाने हैं, ऐसे हाइपोथेसिस बनाने जिसको आप टेस्ट कर पाए स्टैटिस्टिकली। अगर स्टैटिस्टिकली टेस्टेबल हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे तो फिर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि टेस्टेबल हाइपोथेसिस क्या होते हैं। ठीक है ना, अब आपको एक एग्जांपल दे रहा है डेल्टा एयरलाइंस की। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स डेल्टा एयरलाइंस फेस्ड चार्जेस ऑफ एयर सेफ्टी वायोलेशन। ठीक है, एयर सेफ्टी वायोलेशन किया डेल्टा एयरलाइन ने, तो उसके अगेंस्ट में इस पर चार्जेस लगे। व्हेन देयर वर सेवरल नियर कॉलिजन्स इन मिड एयर, वजह क्या थी, वजह थी नियर कॉलिजन हुए थे इसके, यानी कि तकरीबन जो है वो यानी कि कॉलिजन होने ही वाला था, जहाज टकराने वाले थे हवा में। ठीक है, एंड वन एक्सीडेंट, और साथ में क्या था कि एक एक्सीडेंट भी उसके रिजल्ट में हुआ था, और उसमें 137 डेथ हुई थी उसके नतीजे में, एक्सीडेंट के नतीजे में 1987 में। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनको जो है वो कहा जा सकता है कि इनका इम्पेक्ट जो है वो आया होगा। तो इसमें जो चार वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया गया, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। पूर कम्युनिकेशन अमंग द कॉकपिट क्रू मेंबर्स, ये जो क्रू मेंबर्स हैं कॉकपिट में, जो क्रू मेंबर्स हैं, स्टाफ कह लें आप, क्रू मेंबर्स कह लें, उनके दरमियान में जो है वो पूर कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। सेकेंडली पूर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्राउंड स्टाफ एंड द कॉकपिट क्रू। तो कॉकपिट क्रू और जो ग्राउंड स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे, जो कह लें कि जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोल रूम में बैठे हुए होते हैं और गाइड कर रहे होते हैं, जिनका कनेक्शन होता है कंट्रोल रूम का कॉकपिट क्रू से, कॉकपिट क्रू जो जहाज के अंदर बैठे हुए होते हैं कैप्टन वगैरह, तो हो सकता है कि उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन का मसला हो। तीसरा फैक्टर हो सकता है मिनिमल ट्रेनिंग गिवन टू द कॉकपिट क्रू, कि कॉकपिट क्रू को जो है वो कम ट्रेनिंग दी गई है, उनके ट्रेनिंग के अंदर इशू है, उनको ट्रेनिंग कम दी गई है। फिर चौथी चीज जो है वो मैनेजमेंट फिलोसॉफी दैट एनकरेज अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, कि मैनेजमेंट फिलोसॉफी का मसला है जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो अब सवाल ये है कि डिड दीज फैक्टर्स इंडीड कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी वायोलेशन, कि क्या इन चारों फैक्टर्स में से किसी ने या सभी ने जो है वो सेफ्टी वायोलेशन पे कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि इन्होंने सेफ्टी रूल्स को वायोलेट किया, फॉलो नहीं किया। तो ये बेसिकली रिसर्च है। तो इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, तो उसमें द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द सेफ्टी वायोलेशन। ठीक है, द वेरिएंस इन द सेफ्टी वायोलेशन इज अटेम्प्टेड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय फोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बेसिकली जो चार वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं, चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी वजह से जो है वो वेरियंस क्रिएट हो रहा है सेफ्टी वायोलेशन में, यानी कि सेफ्टी वायोलेशन इस पर डिपेंड करता है। वेरियंस का मतलब यानी कि डिपेंडेंसी ही कह रहे हैं, तो डिपेंड कर रहा है सेफ्टी वायोलेशन इस पे, इन चार वेरिएबल्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से हैं, कम्युनिकेशन अमंग क्रू मेंबर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल एंड द कॉकपिट क्रू, तीसरा वेरिएबल ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय कॉकपिट क्रू, और चौथा है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये चार फैक्टर्स हैं, इन चार फैक्टर्स की वजह से सेफ्टी वायोलेशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी है। ये रिसर्च फ्रेमवर्क जो है वो चेक करना चाह रहा है, टेस्ट करना चाह रहा है कि इन चारों का इम्पैक्ट आ रहा है सेफ्टी वायोलेशन पे, या किस किस का इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है सेफ्टी वायोलेशन पे। फिर एक एग्जांपल आपको दे, द लेस कम्युनिकेशन अमंग द क्रू मेंबर्स देमसेल्व्स द ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एयर सेफ्टी वायोलेशन सिंस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अमंग देम। तो अब इसकी लॉजिक क्या बता रहा है, लॉजिक ये बता रहा है कि लेस कम्युनिकेशन क्रू मेंबर्स के दरमियान में होगी तो
ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर सेफ्टी वायलेशन होगा, क्योंकि लिटिल इन्फॉर्मेशन शेयर होगी. जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, जब इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी तो उसका इम्पेक्ट ये हो सकता है कि एयर सेफ्टी वायलेशन जो है वो ज़्यादा हो, उसके चांसेस हैं. तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी गई. फिर कहता है व्हेन ग्राउंड क्रू फेल्स टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम मिसफॉर्चून्स आर बॉर्न टू अकर विद एबॉर्टेड फ्लाइट्स एंड कोलिजंस. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब कहता है कि जब ग्राउंड क्रू जो है वो प्रॉपरली सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा सही वक्त पे, तो मिसफॉर्चून्स होंगी, बदकिस्मती से जो है फिर एबॉर्टेड फ्लाइट्स होंगी या कोलिजंस होंगे. ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्राउंड एंड कॉकपिट क्रू इज एट द वेरी हार्ट ऑफ एयर सेफ्टी. तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ग्राउंड का और कॉकपिट क्रू का, यानी कि जहाज में जो मौजूद अमला है उसका और जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ही जो है वो बच सकते हैं एबॉर्टेड फ्लाइट से और कोलिजन से. दस द लेस द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल एंड कॉकपिट क्रू द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ एयर सेफ्टी वायलेशन टेकिंग प्लेस. तो पता क्या चला कि लेस कोऑर्डिनेशन होगा ग्राउंड कंट्रोल और कॉकपिट क्रू के दरमियान में, तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी हो जाएगी एयर सेफ्टी वायलेशन के. ठीक है, तो बोथ द अबव फैक्टर्स आर एक्सर्बेटेड बाय द मैनेजमेंट फिलोसॉफी ऑफ डेटा एयरलाइंस विच एम्फसाइजेस डिसेंट्रलाइजेशन. और ये फैक्टर्स जो हैं ये किसके नतीजे में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फिलोसॉफी के नतीजे में, मैनेजमेंट फिलोसॉफी के नतीजे में. किसकी? डेटा एयरलाइंस की मैनेजमेंट फिलोसॉफी के नतीजे में, जिसका मेन जो ऑर्गेनाइजेशन फिलोसॉफी जो मेन फोकस कर रही है वो कर रही है इनकी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर. तो कहता है कि सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन इंक्रीज फ्लाइट्स ओवरऑल इन मिड एयर एंड विद ऑल एयरलाइंस ऑपरेटिंग मैनी मोर फ्लाइट्स. जैसे जैसे ही मतलब एयरलाइंस जैट सी बात है कि ज़्यादा ऑपरेट करेंगी फ्लाइट्स को, और हवा में यानी मिड एयर में जब ज़्यादा फ्लाइट्स होंगी तो कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसके लिए सेंट्रलाइज होना ज़रूरी है. डिसेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. डिसेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन होगी तो प्रॉब्लम होगा. तो कहते हैं द ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन द ग्रेटर द स्कोप फॉर लोअर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी तो कम्युनिकेशन लेवल कम होगा, और फिर क्या होगा, इन फ्लाइट और ग्राउंड स्टाफ कॉकपिट क्रू वगैरह सबकी कम्युनिकेशन जो है वो कम होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ग्रेटर स्कोप हो जाएगा एयर सेफ्टी वायलेशन के लिए, ज़्यादा यानी कि एयर सेफ्टी वायलेशन के चांसेस होंगे. तो कहता है कि व्हेन कॉकपिट क्रू मेंबर्स आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड. चौथी चीज़ कि जब एयर कॉकपिट क्रू जो है वो ट्रेन नहीं होगा प्रॉपरली, दे मे नॉट हैव द रिक्विजिट नॉलेज ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. तो इनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में जो प्री रिक्विजिट नॉलेज होती है वो पता ही नहीं होगी, और मे सफर फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस. और अल्टीमेटली क्या होगा कि उनको प्रॉब्लम होगा कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे और कोलिजंस को अवॉइड नहीं कर पाएंगे. दस पोर ट्रेनिंग ऑल्सो एड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड सेफ्टी वायलेशंस. तो पोर ट्रेनिंग की वजह से जो है वो सेफ्टी वायलेशन में सेफ्टी वायलेशंस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. दीज रिलेशनशिप्स आर डायग्राम्ड इन फिगर 8. तो ये रिलेशनशिप आपको फिगर 8 में बताए गए हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन अमंग कॉकपिट मेंबर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल एंड कॉकपिट, डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रेनिंग ऑफ कॉकपिट क्रू, ये सब इम्पेक्ट कर रहे हैं एयर सेफ्टी वायलेशंस के ऊपर. ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पेक्ट कम्युनिकेशन अमंग कॉकपिट क्रू के ऊपर भी आता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पेक्ट जो है वो ग्राउंड कंट्रोल एंड कॉकपिट के ऊपर भी आता है. तो फिलहाल आप यही समझिए कि ये जो चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पेक्ट आता है. 5E को जो है मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, अगला जो है वो 5A में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.